सब्सक्राइब करें testbook.com को और बेल आइकन पर क्लिक करके किसी भी वीडियो की इंस्टेंट नोटिफिकेशन पाएं। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? और मैं आपका एजुकेटर अभिजीत मिश्रा आपके साथ, और आज हम बात करने वाले हैं अपने सेवन्थ में करंट अफेयर्स की। तो स्टार्टिंग करेंगे अपने हमेशा की तरह मोटिवेशनल कोट के साथ। उसके पहले हमारे बीच में रॉक माइकल हैं, जिनका एक नाम बलराम भी है, मैं इसे डिस्क्लोज कर दे रहा हूँ। तो रॉक माइकल का आज बर्थडे है, हम इन्हें विश करेंगे, ये हमारे फैमिली मेम्बर हैं। तो आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और आप अपने लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़ें और हमें मिठाई खिलाएं अपने बर्थडे की। चलिए स्टार्टिंग करते हैं अपने मोटिवेशनल कोट के साथ। कंप्यूटर जी, मोटिवेशनल कोट हाजिर किया जाए। और मोटिवेशनल कोट हमारा कहता है, अ ड्रीम डस नॉट बिकम रियलिटी थ्रू मैजिक, इट टेक स्वेट डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क। मतलब जो आपका सपना है ना, वो केवल जादू से पूरा नहीं हो सकता है कि हमने चुटकी बजाई और हमारा सिलेक्शन हो गया। इसमें लगता है मेहनत, इसमें लगती है डिटर्मिनेशन, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ती हैं, त्याग करना पड़ता है। ये एक युद्ध है, और युद्ध में जीतेगा वही जो सबसे स्ट्रांग होगा। और आपको सबसे स्ट्रांग होना है, आपको अपनी वीकनेसेस खत्म करनी है और अपने स्ट्रांग पॉइंट को और अच्छे से पॉलिश करना है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। सब लोग रॉक माइकल को विश कर दीजिए और स्टार्टिंग करते हैं पहले इंडेक्स की। तो इंडेक्स में हम क्या क्या पढ़ाने वाले हैं आपको, वो हम दिखा दे रहे हैं। तो नेशनल अफेयर्स से लेकर एक्स्ट्रा हाईलाइट तक आपको हम पढ़ाएंगे, जो पूरा आपको दिख रहा है यहाँ पर, नेशनल अफेयर्स एंड लास्ट एक्स्ट्रा हाईलाइट। तो शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की और स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले नेशनल अफेयर्स की। तो हम सब जानते हैं कि भी ओडिशा में एक तूफान आया था और इस तूफान ने काफ़ी तबाही मचाई है। तो इस तूफान से बचने के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ओडिशा गवर्नमेंट को 10 करोड़ रुपीस दिए हैं फॉर हेल्प। तो तमिलनाडु गिव्स 10 करोड़ टू साइक्लोन हिट ओडिशा। ठीक है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। Extending a helping hand to cyclone hit Odisha, the Tamil Nadu government has announced financial assistance of 10 crore rupees as an immediate relief contribution. तो Tamil Nadu government ने 10 crore rupees Odisha government को donate किए हैं। तो ये point आपके सामने यहाँ पर है। आपको पता है कि Odisha में फेनी तूफान आया था, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो बताया गया कि इस तूफान ने काफ़ी तबाही मचाई, स्पेशली पूरी, जो पूरी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर भी काफ़ी तबाही मचाई है। तो ये पॉइंट यहाँ ला के याद करने की जरूरत नहीं है आपको, ये वाला पॉइंट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और तमिलनाडु के स्टैटिक फैक्ट के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तमिलनाडु के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित जी हैं, चीफ मिनिस्टर ई के पलना स्वामी हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ओ पनीर सेल्वम हैं, और हाई कोर्ट ऑफ तमिलनाडु मद्रास हाई कोर्ट है इसका। ठीक है, आगे बात करें स्टेट सिंबल। तो भरतनाट्यम एक क्लासिकल डांस है तमिलनाडु का, जो आपको लर्न करना है, जो कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया। तमिलनाडु का स्टेट स्पोर्ट्स है कबड्डी, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो तमिलनाडु में कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पर है, जो आपको लर्न कर लेनी है। और अगर आगे बात करें तो तमिलनाडु के नेशनल पार्क की बात करें, ऑलरेडी मैंने ट्रिक्स पे यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ है, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। तो इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुडुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, गुंडी नेशनल पार्क एंड कोडी कनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको लर्न करने हैं। अगर हम तमिलनाडु के बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो द गल्फ ऑफ मन्नार एंड नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें यहाँ पर देख लीजिए, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपके सामने कुछ पॉइंट हैं जो भी तमिलनाडु के हैं। ठीक है, आगे बात करें रिवर डैम और स्टेट की बात करें, तो आपके सामने तमिलनाडु के डैम हैं, जिसमें मेट्टूर डैम काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, भवानी सागर डैम काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ये सब कुछ चीज़ें याद करने वाली हैं जो तमिलनाडु के स्टैटिक पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेशनल अफेयर्स में आज के हम दूसरे न्यूज़ की बात करेंगे। तो स्वामी आत्मबोधानंद ब्रेकफास्ट,
तो स्वामी आत्मबुद्धानंद ने अपना उपवास तोड़ा है, ये इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज क्यों है मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, अ 27 ईयर ओल्ड हर्मिट इन हरिद्वार स्वामी आत्मबोधानंद हैज ब्रोकन हिज 194 डे फास्ट इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट सैंड माइनिंग एंड द अपकमिंग डैम ऑन की रिवर दैट फीड द गंगा। तो हरिद्वार में एक 27 ईयर ओल्ड स्वामी आत्मबोधानंद ने गंगा को भरने वाली प्रमुख नदियों पर रेत खनन और आगामी बांधों के विरोध में अपना 194 दिन का उपवास तोड़ा है। यानी कि देखिए, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज लास्ट ईयर भी एक संत थे जिनका निधन हो गया था और वो भी अफास्ट पर थे, तो वो क्वेश्चन एग्जाम में आया था। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं बिकॉज ये इकोलॉजी के साथ साथ सोशल इश्यूज पर भी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ये ध्यान देखिए, तो 194 डे का फास्ट था जिन्होंने ब्रेक किया, इनका नाम आपको लर्न होना चाहिए, रीजन क्या था इनके फास्ट का वो भी आपको मालूम चल गया। ठीक है, तो इन्होंने अपना फास्ट किसके एश्योरेंस पे तोड़ा है हम उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, तो ही हैड डिसाइडेड टू ब्रेक हिज फास्ट आफ्टर एश्योरेंस फ्रॉम राजीव रंजन मिश्रा डायरेक्टर जनरल नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के डायरेक्टर जनरल कौन है? मिस्टर राजीव रंजन मिश्रा। ये भी पॉइंट आपको लर्न करना है, ये भी स्टैटिक पॉइंट है जो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक, देखिए, तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की बात करें तो ये 2011 में फाउंड किया गया था। ठीक है, जो कि गंगा जी को रिजुविनेशन, प्रोटेक्शन और मैनेजमेंट के लिए वर्क करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो राजीव रंजन मिश्रा जो है वो डायरेक्टर जनरल है, ये आपको पता है, ये पॉइंट आपको लर्न करना है और ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेशनल अफेयर्स की, और नेशनल अफेयर्स में हम IIT कानपुर का एक कोलैबोरेशन बता रहे हैं CSE के साथ। CSE के शॉप्स आपने देखे होंगे, इनके रिटेल आउटलेट्स आपके घर के आसपास जरूर होंगे, हम उसकी बात यहाँ पे करने जा रहे हैं। देखिए, कॉमन सर्विस सेंटर, मेरे घर के पास भी CSE का एक ऑफिस है जहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड बनवाना है या फिर प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के अंतर्गत आपको कार्ड चाहिए, मनरेगा के जॉब कार्ड चाहिए, तो वो सब यहाँ पर मिलते हैं। तो कॉमन सर्विस सेंटर, ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड, अ स्पेशल पर्पस व्हीकल अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, हैज टाइड अप विद द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर टू अपस्किल उन्नत भारत अभियान। अब ये उन्नत भारत अभियान क्या है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो कॉमन सर्विस सेंटर्स और आपके IIT कानपुर के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है टू अपस्किल उन्नत भारत अभियान। तो ये उन्नत भारत अभियान क्या है उसके बारे में बात करते हैं। उन्नत भारत अभियान इज एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो HRD मिनिस्ट्री का एक ये स्कीम है उन्नत भारत अभियान। इस स्कीम के बारे में थोड़ी सी पढ़ाई आपको हम करा देते हैं उन्नत भारत अभियान के बारे में, वो देख लीजिएगा। देखिए, तो उन्नत भारत अभियान के बारे में बात करें तो पहले तो ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के अंतर्गत काम करता है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव है टू लिंक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विद सेट ऑफ एटलीस्ट 5 विलेजेस so that they can contribute to economic and social betterment of these village community using their knowledge base। मतलब कि higher education को rural area से add करना। अब जब higher education rural area से जुड़ेंगे तो वो अच्छी नई technology, नए तरीके, ये सब rural areas में spread करेंगे, सिखाएंगे, ये objective है। तो उन्नत भारत अभियान का basically work क्या है, rural development करना through higher education institute। और ये जो agreement हुआ है CSE और IIT कानपुर, तो इसमें पूरे स्टेट से 15 टॉप कॉलेजेस चूज किए जाएंगे और इनका वर्क भी सेम होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको हम दे रहे थे। ठीक है, तो उन्नत भारत अभियान का कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। तो आपको पता है कि इंटरनेशनल स्पेस सेंटर एग्जिस्ट करता है और इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में लोग रहते भी हैं, तो उन्हें जिन चीज़ों की जरूरत पड़ती है उसके सप्लाई के लिए नासा ने यह मिशन लॉन्च करवाया है स्पेस एक्स से। नासा US गवर्नमेंट का एक बॉडी है लेकिन स्पेस एक्स एक प्राइवेट बॉडी है। तो स्पेस एक्स एक प्राइवेट बॉडी है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए क्या क्या पॉइंट आपको समझना है। देखिए, तो स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कॉर्प SpaceX लॉन्च इट्स 17th कमर्शियल रीसप्लाई मिशन। 17th कमर्शियल रीसप्लाई मतलब दोबारा से सप्लाई करना। तो 17th कमर्शियल रीसप्लाई मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बाय यूजिंग फॉल्कन 9 रॉकेट विद द ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट। तो ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से, और जैसे अब कोई स्पेसक्राफ्ट होगा तो वो अंतरिक्ष में कैसे जाएगा, लॉन्चर के थ्रू। तो लॉन्चर का नाम क्या है, रॉकेट का नाम क्या है, फॉल्कन 9। ये SpaceX ने यूज़ किया है इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं उनके रीसप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो ये देख, ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट, फॉल्कन 9 रॉकेट एंड 17 कमर्शियल रीसप्लाई मिशन किसने लॉन्च किया, SpaceX ने। ये मिशन किसका था, नासा का। ये सारे पॉइंट आपको समझने हैं। ठीक है,
देखिए, तो ये जो रॉकेट है इसकी लेंथ है 213 फुट, ठीक है, और ये अगर बात करें फ्लोरिडा, फ्लोरिडा के केप कैनवेरल एयरफोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया. तो फ्लोरिडा के केप कैनवेरल एयरफोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया. ये पॉइंट आपको हम बता रहे हैं, ठीक है. तो ये पॉइंट में जो पॉइंट मैंने आपको बताया इस न्यूज़ में, जैसे फाल्कन 9 रॉकेट की बात हमने की, स्पेस एक्स की बात हमने की, 17th रीसप्लाई मिशन की बात की, नासा की बात की, और हमने केप कैनवेरल एयरफोर्स स्टेशन की बात की. ये सारे पॉइंट आपको लर्न करने हैं, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो न्यूज़ रिलेटेड टू स्पेस रिवीजन, तो आपका रिवीजन हमेशा कराते हैं, तो स्पेस से जितने भी न्यूज़ थे इधर बीच, हमने उसकी भी लिस्ट आपको दी हुई है, जिसका रिवीजन आप हमारे पीडीएफ से कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे इसराइल का एक मिशन था बेयरशीट, जो कि क्रैश हो गया था मून पर, चंद्रमा पर. यह भी पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इवेंट हॉरिजोन टेलीस्कोप ने ब्लैक होल की इमेज ली, ये भी पॉइंट आपको पहले भी पढ़ाया गया है. तो ये सारे पॉइंट रिवीजन के लिए हैं, आप इसे आराम से रिवीजन कर सकते हैं इसका, ठीक है. नासा के बारे में बात करें तो नासा का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है, और नासा के एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिम ब्रेंडस्टाइन, तो इनके नाम भी यहां पर दिए हुए हैं. चलिए स्पेसएक्स की बात करें तो स्पेसएक्स का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है, और इसके सीईओ हैं एलॉन मस्क, आपको यहां पर दिखाई पड़ रहा होगा. चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे, और अब बुक एंड ऑथर की बात करेंगे. ये न्यूज़ आपको पता है, लेकिन फिर से आपका रिवीजन एक तरह का है. तो शाहिद अफरीदी ने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लॉन्च की है, जिसका नाम है गेम चेंजर. तो गेम चेंजर एक ऑटोबायोग्राफी जो कि शाहिद अफरीदी द्वारा लिखी गई है, इनके द्वारा लिखी नहीं गई है, एक लोग और भी जर्नलिस्ट हैं, हम उनका नाम भी आपको बताएंगे. चलिए, तो पाकिस्तान फॉर्मर कैप्टन एंड स्टार ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी रिलीज हिज ऑटोबायोग्राफी टाइटल्ड गेम चेंजर, ठीक है. द बुक इज को ऑथर्ड बाई अफरीदी एंड जर्नलिस्ट वजाहत एस खान. तो वजाहत एस खान और शाहिद अफरीदी ने मिलकर यह बुक लिखी हुई है. तो यहाँ पे आपको वजाहत एस खान का नाम भी लर्न करना है, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. तो अफरीदी ने इसमें यह बात कबूल की कि उनका डेट ऑफ बर्थ 1975 था, जो कि रिकॉर्ड में 1980 है. ये ऐसा होता है, लोग करते हैं ऐसा, और बेसिकली स्पोर्ट्स में तो ये होता ही होता है. चलिए आगे बढ़ेंगे. तो लिस्ट ऑफ फेमस प्लेयर एंड देयर ऑटोग्राफीज की एक लिस्ट हमने आपको दी है, जैसे प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर की ये ऑटोबायोग्राफी है. द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह की ऑटोबायोग्राफी है. सनी डेज, सुनील गावस्कर. एस अगेंस्ट ऑड्स, सानिया मिर्जा. प्लेइंग टू विन, सानिया नेहवाल. द ग्रेटेस्ट माई ओन स्टोरी, मोहम्मद अली की है. माई सॉकर मैटर्स, पेले की है. तो ऐसे ही बहुत सारी ऑटोबायोग्राफी हैं जो कि आपको लर्न कर लेनी है. रेलवे, SSC, इन सब एग्जाम में ये पुराने ऑटोबायोग्राफी पूछी जाती हैं कई बार. चलिए आगे बढ़ेंगे, और बिजनेस इकॉनमी पर आपको न्यूज़ देंगे. बिजनेस इकॉनमी पर देखिए, व्यापार समाचार की बात करें तो अभी ओला ने बोला है कि ओला का एक नया सेगमेंट, ओला इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मोबिलिटी, तो ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की हम बात करें, इसमें रतन टाटा ने इन्वेस्टमेंट किया है. कितना इन्वेस्टमेंट किया अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ, लेकिन आगे डिस्क्लोज हो जाएगा. तो राइड हेलिंग मेजर ओला सेड रतन टाटा, द चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स, हैज इन्वेस्टेड इन इट्स ईवी बिजनेस ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी. यानी एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा, कभी रिसेंटली ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में किस इंडियन बिजनेसमैन ने इन्वेस्टमेंट किया, या किस कंपनी ने, तो टाटा सन्स, टाटा की बात करें, ठीक है. तो ये पॉइंट आपके लिए जरूरी है. आगे बात करें, आपने शायद हिंडाल्को इंडस्ट्रीज का नाम सुना होगा. हिंडाल्को इंडस्ट्रीज द कंट्रीज बिगेस्ट एल्युमिनियम प्रोड्यूसर, हैज टाइड अप विथ टू इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर्स ऑफ बेवरेज कैंस. फर्स्ट इज अमिया एंड सेकेंड इज कैन पैक इंडिया. देखिए एमिया एंड कैन पैक इंडिया, तो इनके जो अपने अपने कैन होते हैं वो एल्युमिनियम से बनेंगे, और ये एल्युमिनियम प्रोवाइड करेगा हिंडाल्को इंडस्ट्री. तो ये पॉइंट आपको हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है. ये पॉइंट देखिए यहाँ पर, आगे देखते हैं. द कंसोर्टियम टू बी कॉल्ड द एल्यूमिनियम बेवरेज कैन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, तो इन सारी कंपनीज को कैन बनाने के लिए हिंडाल्को एल्यूमिनियम प्रोवाइड करेगा. तो ये पॉइंट आपके लिए जरूरी है. बिजनेस और इकोनॉमी की बात यहाँ पर हम कर रहे थे. ओला के बारे में बात करें तो ओला का इस्टेब्लिशमेंट 2010 है, और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, सॉरी बैंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है. मुंबई में इसे फाउंड किया गया था, बैंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है. भावेश अग्रवाल सीईओ हैं और अंकित भारती सीटीओ हैं ओला के, ठीक है. तो ये पॉइंट हमने आपको बता दिया. आगे बढ़ते हैं और आपको हिंडाल्को के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं. देखिए पहले टाटा की बात है, टाटा को फाउंड किया गया 1868 में. जमशेद जी टाटा इसके फाउंडर थे. बॉम्बे हाउस मुंबई इसका हेडक्वार्टर है, और नटराजन चंद्रशेखरन अभी चेयरमैन हैं टाटा के, ठीक. अगर आगे बात करें तो हिंडाल्को इंडस्ट्रीज की बात करें तो बिरला ग्रुप के अंतर्गत ही आता है. 1958 में से फाउंड किया गया, मुंबई इसका हेडक्वार्टर है, और कुमार मंगलम बिरला चेयरमैन है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के. चलिए आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर लिस्ट ऑफ रिसेंट न्यूज रिलेटेड टू बिजनेस एंड इकॉनमी, रिविजन वाला पॉइंट है. तो देखिए अभी हम ओला की बात कर रहे थे ना, तो
हुंडई मोटर कंपनी एंड किया मोटर्स कॉरपोरेशन टुगेदर इन्वेस्ट $300 मिलियन इन ओला. तो ओला में हुंडई मोटर कंपनी और किया मोटर पहले ही इन्वेस्टमेंट कर चुकी है. मैंने आपको पढ़ाया था कि हांगकांग का शेयर मार्केट जापान को पीछे छोड़ते हुए तीसरे नंबर का सबसे बड़ा पूरे विश्व में शेयर मार्केट बन चुका है, ये भी आपको पता है. तो ऐसे ही रिवीजन वाले पॉइंट हैं आपके सामने. हमारे पीडीएफ को आप देखेंगे तो आप रिवीजन कर सकते हैं इसका, ठीक. चलिए आगे बढ़ते हैं, बिजनेस इकॉनमी में एक और न्यूज़ की बात करते हैं. तो यस बैंक स्लिप टू 10th मोस्ट वैल्यूएबल लेंडर. तो जितने भी बैंक हमारे देश में हैं जो लोन देते हैं, अगर हम बैंकों की रेपुटेशन की बात करें तो यस बैंक 10th नंबर पे पहुंच गया है. यस बैंक के शेयर में भारी गिरावट देखी गई है. और सबसे वैल्यूएबल लेंडर कौन बना है, लेंडर मीन्स बैंक की बात हो रही है, तो वो HDFC बना है. आइए उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको तो देखिए. Private lender Yes Bank Limited has slipped 3 notches to 10th spot in terms of market valuation for the first time. तो market valuation की बात करें तो ये 10th number पे आ गए हैं 7th number से. तो ये information आपको हम दे रहे हैं, तो ये point आपके लिए जरूरी है. इसके बाद देखें तो HDFC Bank is the most valued Indian bank with a market capital of 6.45 trillion. HDFC Bank सारे बैंकों में most valuable bank बन गया in terms of capital, और HDFC capital है 6.45 trillion. चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको एक्स्ट्रा हाईलाइट में एक इंपॉर्टेंट न्यूज बताते हैं. देखिए HDFC बैंक लिमिटेड इज द मोस्ट वैल्यूड इंडियन बैंक विथ अ 6.45 trillion रुपीज, फॉलोड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेकंड नंबर पे है, कोटक महिंद्रा बैंक थर्ड नंबर पे है. तो ये भी पॉइंट हमने आपको बताया, HDFC पहले पे, SBI दूसरे पे, कोटक महिंद्रा बैंक तीसरे पे, यस बैंक 10th नंबर पे आ गया. तो ये भी पॉइंट हमने आपको बता दिया, ठीक है. चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की और यस बैंक का स्टडी पॉइंट. यस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके की पीपल कौन है, ब्रह्मदत्त चेयरमैन है, रवनीत गिल MD CEO है. ये दोनों अपॉइंटमेंट नए हैं जो कि आपको लर्न करने हैं. टैगलाइन एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज, 2004 में इसे बैंक का लाइसेंस मिला था. और हाँ, आपके लिए न्यूज़ है, आज 11:30 पे मेरा बैंकिंग अवेयरनेस का एक सेशन है और जिस पर मैं आपको हिस्ट्री ऑफ बैंक के MCQs कराऊंगा. कल भी क्लास है, परसों भी क्लास है. आपको वीक में 4 days क्लास में दूंगा 11:30 पे. और 3:30 पर हमारी इंश्योरेंस की क्लास होनी है, कल अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया, लेकिन हम कर रहे हैं इसे, ठीक है. तो आपको उसकी भी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी. चलिए तो लिस्ट ऑफ हेड एंड हेडक्वार्टर एंड टैगलाइंस ऑफ प्राइवेट बैंक, तो हमने इसकी भी लिस्ट आपको दी है. जो बैंकिंग और इंश्योरेंस वाले बच्चे हैं उन्हें तो ये पूरा याद करना चाहिए. चलिए आगे बढ़ते हैं और G7 समिट की बात करते हैं. तो G7 इन्वायरमेंट मिनिस्टर्स हेल्ड मीटिंग, तो G7 के देश हैं उनके इन्वायरमेंट मिनिस्टर्स की एक मीटिंग हो रही है. कहाँ पर होगी, आइए उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दें हम लोग. देखिए Environment Minister of the G7 nation met in France before the release of what is expected. ठीक है, ये पॉइंट याद नहीं करना है. तो अभी इतना समझना है कि Environment Minister की मीटिंग G7 nations की कहां पर, फ्रांस में होगी. फ्रांस में कहां पर होगी वो भी आपको इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं. देखिए फ्रांस का एक शहर है मेट्स, वहां पर ये होगी. तो G7 में कौन कौन से देश हैं, ब्रिटेन, कैनेडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, US एंड एज वेल एज आपका फ्रांस हो गया. तो ये G7, एक्चुअली इसमें रशिया भी था लेकिन रशिया को बाद में हटा दिया गया था जब रशिया ने क्रोशिया पर थोड़ा अधिकार कर लिया था. तो रशिया पहले G8 था, अभी ये G7 है. तो इन देशों के इन्वायरमेंट मिनिस्टर की मीटिंग हो रही है फ्रांस में, कहां पर, मेट सिटी में. आपको इसके साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन हम और देंगे. फिलहाल इस मीटिंग में क्या डिस्कस किया जाएगा, तो इस मीटिंग में बेसिकली डिफॉरेस्टेशन, प्लास्टिक पोल्यूशन एंड द डिग्रेडेशन ऑफ कोल रीफ्स होगा. तो इस मुद्दों पर चर्चा होगी. आगे बढ़ते हैं, आपको एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट न्यूज की बात करते हैं. इंडिया विल बी अटेंडिंग द G7 इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन मीट ऑर्गेनाइज्ड बाय फ्रांस इन बियारिट्स इन अगस्त. तो अगस्त में क्या है, अगस्त में फ्रांस में एक शहर है बियारिट्स, उसमें इंडिया भी G7 कंट्रीज के इंडस्ट्रियल मिनिस्टर्स की मीटिंग में शामिल होने वाला है. और इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलिया, चिली एंड साउथ अफ्रीका भी पार्टिसिपेट करेंगे. ये भी काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है जो हमने यहां पर ऐड किया है आपके लिए, ठीक है. गुड मॉर्निंग गाइस. हिमांशु बोल रहे हैं कि सेशन को लाइक करें, तो प्लीज सेशन को लाइक जरूर कर दें. लाइक करने में कुछ नहीं, पैसे नहीं लगते हैं, लाइक कर देना चाहिए आपको. आइए आगे बढ़ते हैं. तो आपको ट्रिक टू रिमेंबर द ऑर्गेनाइजेशन विथ मेंबर कंट्री, तो मेंबर कंट्रीज जो ये ग्रुप होते हैं उनको याद करना बड़ा मुश्किल होता है. तो ट्रिक के थ्रू आपको हम समझा रहे हैं. जैसे साक का है MBBS स्पेन, और MBBS का मतलब क्या हुआ, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल. तो ये साक कंट्रीज को याद करने की ट्रिक है. अगर आगे बढ़े तो आपको हम एशियान कंट्रीज की ट्रिक बताएं, तो BPL, TV, MIMCS, ये अगर आप याद कर लेंगे तो आपको एशियान कंट्रीज के देश याद हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल ब्रुनई, फिलीपींस, लाओस,
थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, कंबोडिया एंड सिंगापुर. ये भी एक ट्रिक है आपको याद करने की. आगे बढ़ते हैं. अगर हम आपसे G8 मेंबर की बात करें, पहले ये G8 था फिर G7 हो गया था, तो ABC, FRJIG मीन्स अमेरिका, ब्रिटेन, कैनेडा, फ्रांस, रशिया, जापान, इटली एंड जर्मनी. तो ये आपके और देश हो गए. अगर हम आगे बढ़ें, आपको G5 मेंबर्स की बात करें, तो G5 का ट्रिक है CM IBSA, चाइना, मैक्सिको, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका. तो ये कुछ ट्रिक हैं, इसे आपको, ये आपके काम आएगा, याद कर लीजिएगा ये सारी चीज़ें. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे नेक्स्ट पॉइंट की. और यहाँ पर आपको हम SCO, तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मेंबर कंट्री की बात करें, तो आईपीके ट्रक तो इंडिया, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान, चाइना एंड कजाकिस्तान. तो ये भी ट्रिक है याद करने की, जो आप आराम से लर्न कर सकते हैं. चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं. डिफेंस में बड़े ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करते हैं, तो नेवी लॉन्च 4th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन. तो नेवी ने 4th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन को लॉन्च किया है, जिसका नाम वेला होगा और इसे फ्रांस के कोलैबोरेशन से बनाया गया. स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन हमेशा फ्रांस के कोलैबोरेशन से ही बनाई जाती है, ये भी याद रखिएगा. ठीक है, देखिए द 4th ऑफ इंडियन नेवीज स्टेल्थ स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन ऑफ प्रोजेक्ट 75 वॉज लॉन्च टूडे एट द मजगांव डॉक लिमिटेड के कान्होजी आंग्रे वेट बेसिन में लॉन्च की गई. तो फिलहाल आपको केवल मजगांव डॉकयार्ड याद करना है. तो मजगांव डॉकयार्ड जो कि मुंबई में है, वहां से द फोर्थ स्कॉर्पियन क्लास ऑफ सबमरीन जो लॉन्च हुई है. ठीक है, तो ये पॉइंट हमने आपको एक्सप्लेन किया है. देखिए द सबमरीन हैज बीन नेम्ड वेला आफ्टर एन अर्लियर सबमरीन. ठीक है, ये याद करने की जरूरत नहीं आपको. तो इस सबमरीन का नाम होगा वेला. तो अब फिर समझते हैं क्या हमको याद करना है. तो स्कॉर्पियन क्लास की 4th सबमरीन है और ये फ्रांस के द्वारा बनाई गई है. मैं आपको आगे दिखाऊंगा इसे. और ये मुंबई के मजगांव डॉकयार्ड में ये बनाई जाएगी. तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूं इसे, देख लीजिए फिर से पूरी न्यूज़ यहां पे. मजगांव डॉक लिमिटेड में ये बनाई गई है, प्रोजेक्ट 75 का हिस्सा है, 4th इंडियन नेवी स्टेल्थ स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है ये. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. देखिए यहां पर, देखिए द स्टील कटिंग फॉर द सबमरीन कमेंस्ड इन जुलाई 2009, मतलब कि 2009 में इसको बनाना शुरू कर दिया गया था. और द सबमरीन आर बीइंग बिल्ट एट मजगांव डॉक लिमिटेड विद द मेन कोलैबोरेशन बीइंग MS नेवल ग्रुप फ्रांस. तो फ्रांस का एक नेवी ग्रुप है जिसके थ्रू कोलैबोरेशन से ये बना है. तो 2009 में बनना शुरू हुआ था और ये फ्रांस के कोलैबोरेशन से बना है, ये भी हमने आपको बता दिया है. चलिए हाँ ठीक है, अंशुल पांडे समझ गए. चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की. यहाँ पर तो देखिए लिस्ट ऑफ सबमरीन विथ इंडिया, इंडिया के पास कौन कौन से सबमरीन है, किन किन देशों ने इसे बनाया है मिलकर, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी है. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें चक्र क्लास सबमरीन की, देख लीजिए यहाँ पर INS चक्र. अरिहंत क्लास की बात करें INS अरिहंत, तो रशिया ने बनाया है चक्र वाले को और अरिहंत को बनाया है इंडिया ने. उसके बाद देखें तो शिशुमार क्लास की सबमरीन हमारे पास कितनी है, तो ये 4 सबमरीन हमारे पास हैं, जर्मनी और इंडिया ने मिलकर बनाया है. कलवारी क्लास की बात करें तो ये INS कलवारी फ्रांस और इंडिया ने मिलकर बनाया है. ठीक है, तो ये भी न्यूज़ हमारे पास है. सिंधुघोष क्लास की बात करें तो इसकी कौन कौन सबमरीन हमारे पास है वो देख लीजिए, जिसे रशिया ने बनाया था, हालांकि ये पुरानी हो चुकी हैं. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इंडियन नेवी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन. तो इंडियन नेवी 1612 में से फाउंड किया गया था. 4 दिसंबर को नेवी डे सेलिब्रेट होता है और नेवी के हमेशा कमांडर इन चीफ कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं हमारे, जो कि अभी रामनाथ कोविंद जी हैं. ठीक है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है, एडमिरल करमबीर सिंह है, इनका अपॉइंटमेंट नया है. वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कौन है, जी अशोक कुमार है. और डिप्टी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कौन है, वाइस एडमिरल MS पवार है. तो ये भी पॉइंट हमने आपको समझा दिया. ठीक है, एडमिरल करमबीर सिंह पॉइंट, हाँ जी हाँ बिल्कुल मई में होने वाले हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन की. मैं अभी परसों गया था मूवी देखने अवेंजर्स इंड गेम, तो उसमें इसका एड आ रहा था, तो मैं तभी समझ गया था कि अनुष्का शर्मा विराट कोहली को मिंत्रा का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट कर दिया गया. तो मिंत्रा अपॉइंट विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा, और ये दोनों फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर होंगे मिंत्रा के. देखिए यहाँ पर फ्लिपकार्ट ओन्ड फैशन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मिंत्रा, यानी मिंत्रा फ्लिपकार्ट के अंडर काम करता है. तो मिंत्रा अनाउंस दैट इट हैड अपॉइंटेड सेलिब्रिटी कपल विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा एज इट फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर.
तो मिंत्रा जो फ्लिपकार्ट के अंडर में काम करता है, इसने अनुष्का शर्मा, विराट कोहली को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। ये पॉइंट आपको लर्न करना है, ठीक है, इतना ही लर्न करना है बस। फ्लिपकार्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दें तो फ्लिपकार्ट को 2007 में फाउंड किया गया था, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में, और इसमें अगर मेजोरिटी ऑफ शेयर की बात करें तो वॉलमार्ट की इस समय 81.3% शेयर होल्डिंग हो चुकी है वॉलमार्ट में, ये देख लीजिएगा। कल्याण कृष्णमूर्ति सीईओ हैं, और अगर हम बात करते हैं कि फ्लिपकार्ट के अंतर्गत कौन कौन सी कंपनीज हैं तो मिंत्रा, jabong.com, फोनपे, एकार्ट, जीवेस एंड टू गुड, तो ये सब इसके अंतर्गत काम करते हैं। और अगर हम बात करते हैं मिंत्रा की तो आपको उसकी भी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी देना चाहेंगे मिंत्रा के बारे में। देखिए, विंत्रा का ऑनर वॉलमार्ट ऑफकोर्स वही होगा। की पीपुल अमर नागराम, ये नया अपॉइंटमेंट है, ये भी आपको लर्न करना है। और फ्लिपकार्ट के अंतर्गत है jabong.com, फिटिक्विट और रोडस्टर, तो ये भी कंपनी मिंत्रा के अंतर्गत काम करती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर लिस्ट ऑफ रिसेंटली अपॉइंटेड ब्रांड एम्बेसडर, तो जो भी नए अपॉइंटमेंट हुए हैं ब्रांड एम्बेसडर के उसकी पूरी लिस्ट हमने आपको दी है। फॉर एग्जाम्पल रेड बस MS धोनी अपॉइंट हुए आपको बताइए, तो ये भी लिस्ट आपके पास है जो कि आपको लर्न कर लेनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब बात करेंगे ऑबिचरीज की, मतलब डेथ की बात करेंगे। तो वेटरन CPI लीडर एंड फॉर्मर लोकसभा मेंबर दुती कृष्णा पांडा डाइड एट अ प्राइवेट हॉस्पिटल इन भुवनेश्वर। तो CPI जो पार्टी है, CPI पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसके एक लीडर हैं दुती कृष्णा पांडा, इनका निधन भुवनेश्वर में हो गया है। तो ये एक पहली इन्फॉर्मेशन आपके सामने। दूसरे इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश एडवोकेट जर्नल एंड सीनियर एडवोकेट राजेंद्र तिवारी पास अवे, तो इनका भी निधन हो गया है, ठीक है। तो दो न्यूज़ हमने आपको दी है। अब रिवीजन की बात करें तो ऑबिट्रीज का रिवीजन हमने आपको पहले भी कराया, आज भी करवा रहे हैं, तो ये भी हमारे पास है, हमारे PDF में होगा, इसे आपको याद कर लेना चाहिए अगर आपने पहले याद नहीं किया है तो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे, और अब इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करेंगे। तो इंडिया एंड ऑस्ट्रेलियाज कोऑपरेशन ऑन टेररिज्म, तो आतंकवाद पर भारत और ऑस्ट्रेलिया सहयोग करने के लिए रेडी हो गए हैं। अब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया नहीं गए, न ही ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर इंडिया में आए, तो इन दोनों के बीच में ये कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन कैसे हुआ, आइए हम उसकी बात थोड़ी सी करते हैं यहाँ पर। देखिए, तो पहला पॉइंट क्या है कि इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया have agreed to further deepen counter terrorism cooperation, लेकिन ये decision कहाँ पर लिया गया, हम उसकी बात करें तो the two countries held the 11th meeting of joint working group on counter terrorism at Canberra। देखिए अभी Canberra में 11th meeting of joint working group on counter terrorism हो रहा था, उसमें ये decision लिया गया। तो आपके exam में question इस तरह बन सकता है कि 11th meeting of joint working group on counter terrorism India और Australia के बीच में कहाँ पर हुआ, तो ये Canberra में हुआ। ऐसी news काफी बार exam में देखी गई है previous years में, तो ये point याद करना काफी जरूरी है आपके लिए, ठीक है। देखिए तो आगे बढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, वर्ल्ड मैप पे कहाँ पे ये एग्जिस्ट करता है। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल कैनबरा है, करेंसी डॉलर है, और प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन है ऑस्ट्रेलिया के, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे और स्पोर्ट्स की बात करते हैं। स्पोर्ट्स में हम एशियन इंडिविजुअल स्क्वैश चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं। देखिए तो एस इंडियन स्क्वैश प्लेयर सौरभ घोषाल एंड जोशना चिनप्पा वॉन देयर रिस्पेक्टिव एशियन इंडिविजुअल स्क्वैश चैंपियनशिप टाइटल इन कुआलालंपुर मलेशिया। देखिए तो पहली न्यूज आपको ये याद रखनी है कि एशियन इंडिविजुअल स्क्वैश चैंपियनशिप कहां पर हुई, कुआलालंपुर मलेशिया में हुई, और इसमें इंडिया के सौरभ घोषाल और जोशना चिनप्पा ने अपने अपने कैटेगरी में जीत दर्ज की, ठीक है। तो ये दोनों प्लेयर के नाम और ये इवेंट कहां पर हुआ, ये दोनों आपको याद करना है, ठीक है। देखिए तो सौरभ घोषाल ने हांगकांग के लियो और चुन मिंग को हराया, और अगर जोशना चिनप्पा की बात करें, इन्होंने भी हांगकांग की एनी एयू को हराया, तो ये भी पॉइंट हमने आपको बता दिया। हालांकि इतना डीप आपसे पूछा नहीं आता है ये इवेंट कहां पर हुआ और इंडिया से कौन कौन जीता, बस यही नाम आपको लर्न कर लेंगे तो ये भी काफी होगा आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर स्पोर्ट्स के रिवीजन की बात कर रहे हैं, जो हमेशा आप कराते हैं आपको रिवीजन, तो हम चाहे सर्विसेज की बात करें, संतोष ट्रॉफी जीता सर्विस, आपको ये पता ही है। चाइनीज बैडमिंटन स्टार लिन डैन ने मलेशियन ओपन जीता टाइटल। ऑस्ट्रेलिया की क्लेयर पोलोसैक जो हैं ये पहली अंपायर बनी है ODI मैचेस में, तो ये भी आपको पता ही है। चलिए आइए आगे बात करते हैं, और यहाँ पर हम आपको एवेंजर इंड गेम के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दें। तो एवेंजर इंड गेम ने इंडिया में 300 करोड़ का कलेक्शन पार कर लिया है, और एवेंजर इंड गेम पहली मूवी बन गई है जिसने इतना बड़ा अमाउंट ग्रैब्स किया इंडिया से। देखिए तो मार्वल ब्लॉकबस्टर सुपर हीरो फ्लिक एवेंजर्स इंड गेम हैज क्लोज इट्स सेकेंड वीकेंड इन इंडिया बाय क्रॉसिंग द 300 करोड़ मार्क टू अर्न 311 करोड़।
तो एवेंजर्स ने अभी तक 311 करोड़ रुपए कमाई कर ली है केवल इंडिया से, केवल इंडिया से। देखिए, दिस इज द फर्स्ट हॉलीवुड फिल्म टू क्रॉस द 300 करोड़ मार्क इन द कंट्री, बिसाइड हैविंग इमर्ज एट द हाईएस्ट हॉलीवुड ग्रॉसर ऑलरेडी। तो अभी तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉलीवुड मूवीज बन गई है ये एवेंजर्स इंड गेम, तो इसलिए ये डेटा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इट हैज बिटन द 227 करोड़ अर्निंग ऑफ प्रीवियस इंस्टॉलमेंट अवेंजर इन्फिनिटी वॉर बाई अ लॉन्ग मार्जिन। तो इसके पहले अवेंजर सीरीज का ही रिकॉर्ड था 227 करोड़ रुपीज अर्न करने का इंडिया से, जो रिकॉर्ड टूट चुका है, और इंड गेम ने 311 करोड़ अभी तक कमा लिए। अभी और कमाएंगे, अभी और अर्न करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं मार्वल के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। तो मार्वल जो है ये वॉल्ट डिज्नी कंपनी का एक मतलब कंपनी है, पेरेंट कंपनी वॉल्ट डिज्नी कंपनी है। जनवरी 12, 1939 में इसे फाउंड किया गया था। इसके फाउंडर थे मार्टिन गुडमैन। यूएस में ये मार्वल इसकी स्थापना हुई है, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, और सीबी सेबुल्स्की इसके EIC हैं मार्वल के, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक्स्ट्रा लाइट में एक न्यूज़ और की। तो अगर हम बात करें शिल्पा शेट्टी की, तो शिल्पा शेट्टी की बात करें, एक्टर शिल्पा शेट्टी कुंद्रा इज ऑल सेट टू लॉन्च हर ओन होलिस्टिक वेलनेस एप्लीकेशन शिल्पा शेट्टी ऐप, इस अवेलेबल ऑन iOS एंड एंड्रॉयड एज वेल। तो शिल्पा शेट्टी कुंद्रा का एक एप्लीकेशन लॉन्च हो रहा है, जिसका नाम क्या होगा, शिल्पा शेट्टी एप्लीकेशन। तो इन्हीं के नाम पर एप्लीकेशन का नाम होगा, ये बस आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक न्यूज़ आपको और देते हैं। तो रिसर्चर फ्रॉम रूहर यूनिवर्सिटी बोकम इन जर्मनी, तो जर्मनी का एक यूनिवर्सिटी है रूहर यूनिवर्सिटी बोचम, तो यहाँ के साइंटिस्ट ने एक ऐसा ब्लड टेस्ट मशीन रेडी किया है कि आपके ब्लड टेस्ट मशीन के बाद अगर आपको अल्जाइमर 8 साल के बाद होने वाला है, तो अल्जाइमर का पता आपको 8 साल पहले ही चल जाएगा। अगर किसी पर्सन का ब्लड टेस्ट होता है और उसे आफ्टर एट ईयर अल्जाइमर होने वाला है, तो मालूम चल जाएगा। तो रिसर्चर फ्रॉम रूहर यूनिवर्सिटी बोचम, तो उन्होंने एक ऐसा ब्लड टेस्ट मतलब मशीन डेवलप किया है, तो ये भी पॉइंट हमने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। चलिए, जर्मनी के बारे में बात करें तो एंजेला मार्कर चांसलर है, बर्लिन कैपिटल है, करेंसी यूरो है, ये भी आपको हमने दिखा दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक्स्ट्रा लाइट में एक न्यूज की बात और करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट अनविल इट्स ओन ब्लॉकचेन बेस्ड सर्विस, माइक्रोसॉफ्ट ने अपना ब्लॉकचेन सर्विस लॉन्च किया है। आइए इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, तो माइक्रोसॉफ्ट हैज अनविल्ड फुल्ली अमेज्ड अजूरे ब्लॉकचेन सर्विस। तो माइक्रोसॉफ्ट ने जो अपना ब्लॉकचेन लॉन्च किया है, उसका नाम है अजूरे ब्लॉकचेन। और इस अजूरे ब्लॉकचेन में देखो, माइक्रोसॉफ्ट हैज ऑल्सो अनाउंस अ पार्टनरशिप विद JP Morgan टू मेक क्वोरम। क्वोरम एक तरह का लेजर है, मतलब क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट का जो ब्लॉकचेन है उसकी सर्विसेज शुरू हो चुकी हैं, और JP Morgan पहला बैंक बन गया जिसने माइक्रोसॉफ्ट से अपनी सुविधाएं लेना शुरू कर दिया है। एक कोरम लेजर बनाया गया है जहां पर JP Morgan अपने डेटा को सेव करेगा सिक्योरली, ठीक है। तो ये भी देखिए, तो JP Morgan के साथ इनका एग्रीमेंट भी हो चुका है। तो ये पहला न्यूज है एक्सलेट की जो हम आपको पढ़ा रहे थे। आगे बढ़ते हैं, न्यूज नंबर 2 की बात करते हैं। तो मैंने कई बार आपको बताया है कि यूनाइटेड नेशन का एक एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, टोटल 17 गोल्स हैं जो कि 2030 तक खत्म करने हैं, ठीक। तो ग्रिविड एक, देखिए क्या है, ग्रिविड सीपरी लॉन्च ग्लोबल रजिस्ट्री ऑफ वायोलेंट डेथ। तो सीपरी का नाम आप लोग जानते हैं, सीपरी के बारे में कई बार हम बात कर चुके हैं। तो सीपरी ने एक रजिस्ट्री लॉन्च की है, रजिस्ट्री का मतलब एक ये ओपन सोर्स रजिस्ट्री है, दुनिया भर में जितने लोगों की हिंसा से मौत हो रही है उसकी ये डिपॉजिटरी होगी। मतलब सीपरी के पास पूरी लिस्ट होगी कि दुनिया में कितने लोग हिंसा से मर रहे हैं। इसका नाम क्या होगा, ग्रिविड होगा, ये देख लीजिए आप, ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। देखिए, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज लॉन्च अ न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड ग्लोबल रजिस्ट्री ऑफ वायोलेंट डेथ, इन शॉर्ट ग्रिविड। तो टू काउंट डेथ कॉज बाय ऑल फॉर्म ऑफ वायोलेंस अक्रॉस द वर्ल्ड एंड डिस्प्ले दिस इन ओपन सोर्स डेटाबेस, ठीक है। तो सीपरी क्या करेगा, सीपरी ने एक डेटाबेस रेडी किया है ग्रिविड, दुनिया भर में जितने भी लोग की हिंसा से मौत हो रही है उसकी पूरी रजिस्ट्री बनेगी, ताकि सीपरी इसका एनालिसिस कर सके कि किस तरह की हिंसा ज्यादा हो रही है हमारे पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो ये न्यूज़ हमने आपको बता दी। मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्यों बोला था, बिकॉज सीपरी इस डेटा से कोशिश करेगी कि यूएन की वो हेल्प कर पाए उनके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक्स्ट्रा हाइलाइट में न्यूज नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक लॉन्च 5 बिलियन हेल्दी ओशियन एक्शन प्लान। तो ADB ने 5 मिलियन की स्वस्थ महासागर कार्य योजना का शुभारंभ किया है। आइए इसके बारे में बात करते हैं और आपको ले चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड पर आपको इंफॉर्मेशन दिखाते हैं हम लोग। देखिए यहां पर,
द एशियन डेवलपमेंट बैंक लॉन्च अ $5 billion एक्शन प्लान फॉर हेल्दी ओशियन एंड सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी फॉर द एशिया एंड पैसिफिक रीजन एट द 52nd एनुअल मीटिंग ऑफ ADB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इन फिजी. अब देखो, अब क्वेश्चन एग्जाम में कैसे बन सकता है कि 52nd एनुअल मीटिंग ऑफ एशियन डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग कहां पर हुई? तो फिजी में यह मीटिंग हुई जहां पर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यह इनिशिएटिव लॉन्च किया है $5 billion एक्शन प्लान का, ताकि जो ये ब्लू इकोनॉमी है वो और ज्यादा डेवलप हो और ज्यादा सस्टेनेबल हो. ठीक है, देखिए यहां पे आगे बढ़ते हैं. इट विल एक्सपेंड फाइनेंसिंग एंड टेक्निकल असिस्टेंस फॉर ओशियन हेल्दी एंड मरीन इकोनॉमी प्रोजेक्ट टू $5 billion फ्रॉम 2019 to 2024. तो एशियन डेवलपमेंट बैंक अपने मेंबर कंट्रीज को 2019 से लेकर 2024 तक $5 billion का हेल्प करेगा. एक देश को नहीं, अलग अलग देशों को हेल्प करेगा. अमाउंट इतना है $5 billion. ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दिया. चलिए आगे बढ़ते हैं और न्यूज नंबर 5 की बात करते हैं. तो अभी तक पूरे वर्ल्ड में केवल एक ही स्पेस एजेंसी प्राइवेट थी, SpaceX, जिसके बारे में बात कर रहे थे. लेकिन अभी जापान की एक प्राइवेट इंडस्ट्री ओपन हुई है जिसका नाम क्या है मैं आपको बताऊंगा. तो इन्होंने भी अपना पहला एक कहते हैं ना एक पहला स्पेसक्राफ्ट लॉन्च कर लिया है. हम उसके बारे में बात करें, इसका नाम मोमो 3 था. देखिए इसके बारे में, तो जापानीज एरोस्पेस स्टार्टअप इंस्टरटेलर टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेशन, आपने शायद इंस्टरटेलर मूवी देखी होगी, तो इंस्टरटेलर टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेशन हैज सक्सेसफुली लॉन्च द फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट मोमो 3 इनटू स्पेस. तो रॉकेट की बात हो रही है. तो अगर हम बात करें जापान की पहली प्राइवेट एजेंसी जिसका नाम है इंस्टरटेलर, इसने अपना एक रॉकेट डेवलप कर लिया है मोमो 3 और उसका परीक्षण भी कर लिया है. मोमो 3 याद करना आपको जरूरी काफी. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक्स्ट्रा हाइलाइट में न्यूज नंबर 6 की बात करते हैं. तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल पैनल एडवाइजरी काउंसिल, इसका मतलब क्या हुआ आइए आपको समझाते हैं पूरे डिटेल में. देखिए, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, इनका नाम क्या है? इनका नाम है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, ये भी आपको याद रखना है. हैज बीन इंक्लूडेड इन द एडवाइजरी काउंसिल ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन एज इट्स मेंबर. तो 15th फाइनेंस कमीशन का जो एडवाइजरी काउंसिल होगा उसमें चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर को एज अ मेंबर अपॉइंट किया गया. ये पूरी न्यूज है, ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है और मैं बता रहा हूं और ये एग्जाम में आपको देखने को मिल सकती है. देखिए, पॉइंट टू रिमेंबर, द 15th फाइनेंस कमीशन वॉज कंस्टिट्यूटेड इन नवंबर 2017. तो 15th फाइनेंस कमीशन जो है वो नवंबर में बनाई गई थी. द रोल ऑफ द कमीशन इज टू गिव रिकमेंडेशन फॉर डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस एंड अदर फिस्कल मैटर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर 5 ईयर. तो 5 साल तक हमारे देश को ये हेल्प करेगा टैक्सेस में या फिस्कल मैटर्स में, ये आपको बताया जा रहा है. और अगर हम बात करते हैं तो 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन होंगे? एनके सिंह. और 15th फाइनेंस कमीशन की शुरुआत 2020 फर्स्ट अप्रैल से होगी. फाइनेंस कमीशन 5 साल के लिए वर्क करता है. राइट नाउ हम लोग अभी 14th फाइनेंस कमीशन में हैं, तो 15th फाइनेंस कमीशन जो है वो आपका 2020 से शुरू हो जाएगा. चलिए एक्स्ट्रा हाइलाइट में न्यूज नंबर 7 की बात करते हैं. तो इंडियन बॉक्सर विन 6 मेडल एट द 36th फेलिक्स स्टैम इंटरनेशनल बॉक्सिंग. तो 36वें फेलिक्स स्टैम इंटरनेशनल बॉक्सिंग में भारतीय मुक्केबाजों ने 6 मेडल जीते. ये कहां पर हुआ आइए इसके बारे में थोड़ी बात कर लें. देखिए, तो इंडियन बॉक्सर फिनिश विथ अ रिच हॉल ऑफ 6 मेडल इंक्लूडिंग 2 गोल्ड एट द 36 फेलिक्स स्टैम इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट इन पोलैंड. तो पोलैंड की बात करें तो पोलैंड के वॉर्सा सिटी में ये 36 फेलिक्स स्टैम इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट हुआ जिसमें इंडियन मुक्केबाजों ने जीते हैं, इंडियन बॉक्सर जीते हैं टोटल 6 मेडल जिसमें से 2 मेडल गोल्ड के हैं, वो आपको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं. देखिए, गौरव सोलंकी और मनीष कौशिक, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता इंडिया के लिए, 2 गोल्ड मेडल. तो ये भी हमने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया. इसके अलावा इंडिया ने 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते, तो ये भी इन्फॉर्मेशन आपको लर्न करनी है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक्सलेंट में न्यूज नंबर 8 की बात करते हैं. तो लास्ट कैप्टिव वाइट टाइगर बाजीराव डाइड एट 18 ईयर ओल्ड. तो अंतिम बंदी सफेद बाघ बाजीराव का निधन हो गया है, 18 वर्षीय आयु में इनकी मृत्यु हो गई है. आइए इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं. देखिए, तो बाजीराव द लास्ट कैप्टिव वाइट टाइगर एट द संजय गांधी नेशनल पार्क इन मुंबई डाइड एट द एज ऑफ 18. तो संजय गांधी नेशनल पार्क में ये सफेद बाघ था जिसका निधन हो गया, इसका नाम था बाजीराव, जो कि आपको लर्न करना है. बाजीराव का बर्थ हुआ था 2001 में ही संजय गांधी नेशनल पार्क में, ये भी आपको लर्न करना है. ठीक है, चलिए अब न्यूज नंबर 9 की बात करते हैं. न्यूज नंबर 9, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड इंडियाज लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर ऑन 3rd May अनाउंस्ड 5-year multi-million dollar IT आउटसोर्सिंग डील विद द IBM. देखिए क्या मतलब,
कि वोडाफोन और आइडिया जो मर्ज हो गए, इन्होंने IBM के साथ एक एग्रीमेंट किया है 5 साल का, जिसमें IBM इस कंपनी को आउटसोर्सिंग कराएगा, मतलब IBM हायर कराएगा इंजीनियर्स को, प्रोफेशनल्स को, किसके, वोडाफोन आइडिया के लिए। तो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का एग्रीमेंट हुआ है IBM के साथ, ये पॉइंट आपको लर्न करना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। देख लीजिए, वोडाफोन आइडिया और IBM की हम बात करें तो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। 2018 में इसको बनाया गया है, हेडक्वार्टर मुंबई में है, कुमार मंगलम बिरला इसके चेयरमैन हैं और CEO हैं बलेश शर्मा। ये दोनों पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये करंट अफेयर्स का पॉइंट है, ठीक है। चलिए न्यूज़ नंबर 10 की बात करते हैं। तो नेपाल की एक बच्ची है वंदना, वंदना सेट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑन लॉन्गेस्ट डांसिंग मैराथन बाय एन इंडिविजुअल। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम आया है, क्यों, आइए उसके बारे में बात करें। देखिए, एन 18 ईयर ओल्ड गर्ल फ्रॉम नेपाल नेम्ड वंदना सेट अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑन लॉन्गेस्ट डांसिंग मैराथन बाय एन इंडिविजुअल। तो वंदना को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, इन्होंने टोटल 126 आवर कॉन्टिन्यूस नॉन स्टॉप डांस किया था, इसके लिए इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ है। टोटल 126 आवर, याद करिएगा, देख लीजिए मोटिवेशन कहीं से मिल सकता है आप लोगों को। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक्स्ट्रा लाइट में न्यूज नंबर 11 की। तो इसरो टू लॉन्च रीसेट 2B R1 बाय द एंड ऑफ मे। तो इसरो जो है अपना सैटेलाइट RISAT 2B R1 लॉन्च करेगा मई के अंत में। तो पहले ये 2020 में से लॉन्च करना था, लेकिन अभी इसे पहले ही लॉन्च किया जा रहा है। देखिए यहां पर ISRO announced its plan to launch its latest radar imaging reconnaissance satellite RESET 2B R1 toward the end of May 19. तो ये एक तरह का radar imaging satellite है RISAT, जिसे मई में ही लॉन्च किया जा रहा है। तो पहले ये 2020 में लॉन्च होने वाला था, ये पॉइंट। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं कि इसे कौन सा लॉन्चर लेकर ऊपर जाएगा। तो द RESET will be carried by PSLV C-46, ये भी पॉइंट आपको लर्न करना है। तो PSLV C-46 जो है ये इसे ऊपर लेकर जाएगा, तो ये पॉइंट आपको याद रखना था। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के लास्ट न्यूज की बात करते हैं, न्यूज नंबर 12। तो इंडियाज मोस्ट रेप्यूटेटेड कार्डिक सर्जन, कार्डिक का मतलब हार्ट की बात हो रही है, कार्डिक सर्जन एंड ह्यूमैनिटेरियन डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी वेयर अवार्डेड 27th PC चंद्र पुरस्कार। मतलब कि इंडिया के बड़े ही फेमस कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जिनका नाम है डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी, इन्हें 27th PC चंद्र पुरस्कार दिया गया है, ये भी इन्फॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं। चलिए दोस्तों, तो ये थी आज की न्यूज़ जो हमने कंप्लीट कर दी। लॉट्स ऑफ न्यूज़ हमने आपको दी है, आई थिंक कम से कम आपको हमने 25 न्यूज़ दी हैं, जो कि आपको मिलता है हमेशा हमारे करंट अफेयर्स में। तो अगर आपको हमारा करंट अफेयर्स अच्छा लगता है, अगर आपको रिवीजन पॉइंट अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ हमारे स्टेशन को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा। 11:30 पे मैं आपका वेट करूंगा बैंकिंग अवेयरनेस के लिए, वहां पर आइए और धमाल मचाइए। थैंक यू सो मच गाइज, अपना ख्याल रखिए, खूब पढ़िए, आगे बढ़िए, और अपने नेगेटिव पॉइंट जो भी हैं उसको पहचानिए और छोड़िए। जो कल तक आपने नहीं किया था वो आज करने की बारी है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे 11:30 पर YouTube पर। थैंक यू सो मच।